नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वीडियो है निम्र अहमद का और इसका टाइटल है पाकिस्तान सिटीजन्स क्राइंग एंड सेइंग स्लोगन, हमें अखंड भारत चाहिए। कमाल है जी। चलिए देखते हैं भाई कि क्यों चाहिए पाकिस्तान के लोगों को अखंड भारत। भाई तो व्यूअर्स, आज इस वक्त मैं लाहौर के एक रमजान बाजार लगा हुआ उसके बाहर खड़ी हुई हूँ, जिसके अंदर भी हम जाएंगे और यहाँ के हालात भी आपको दिखाएंगे। बेसिकली आज इस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, वो ये बात करने वाली हूँ कि रमजान उल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में गरीब आवाम के लिए क्या पॉलिसीज बनाई गई है, कितनी सस्ती चीजें यहाँ रमजान बाजार में दी जा रही है, कितनी रियायत की जा रही है, वो जानने वाले हैं। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर से एक वीडियो भी सामने आई थी जिसके मुताबिक वहाँ की मंडी में जो प्राइसेस थी वो काफी कंट्रोलेबल थी, काफी ज्यादा रीजनेबल थी। तो ये वीडियो आज हम पाकिस्तानी आवाम को भी दिखाने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर में तो प्राइसेस कंट्रोलेबल है, लेकिन अगर उसका कंपैरिजन यहां से किया जाए तो यहां कितनी सहूलियत दी जा रही हैं। जो मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से बना था, वहां पर कितना मुसलमानों का ख्याल किया जा रहा है, उसका कंपैरिजन अगर हिंदुस्तान से किया जाए, वहां के प्राइसेस से किया जाए, तो वहां पर क्या हो रहा है, क्या कहती है पाकिस्तानी आवाम इस वीडियो को देखने के बाद, आए जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। सर, आप यहां पर आटा लेने आए हैं जी, तो आसानी से मिल गया आपको आटा? बहुत आसानी से मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया। नहीं परेशान की दोनों ने, नहीं किया परेशान, नहीं। लाइनों में लगे हैं आप? नहीं, लाइन में नहीं लगे। किस तरह से आपको आटा दिया? हमने शनाख्ती कार्ड दिखाया तो उसने आटा दे दिया। आटा दे दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, आप नीचे रख दें आप आटा, क्योंकि आपको आपको भी तकलीफ होगी। अच्छा, मुझे बताए पैसों का दिया आटा? नहीं, फ्री दिया। आटा फ्री दिया। अच्छा, आटे की क्वालिटी ठीक है? ये तो उन पकाएंगे तो पता चलेगा। ने छान पूरा है, मेरी अम्मी रन मिलिया है तो वो सुकियां रोटियां नहीं जिवें पीस के कर दे। हाँ। ते मैं ता बेवा, मेरा मियां भी नहीं हैगा, भी सात बच्चे ने ते लै के आई हां कार्ड 100 दफा ते वो अगू गल ही नहीं सुनदे। कदी कार्ड लेकर आई हां? हां जी, कदी आंदे ने उथे जाओ रावी चौक जाके साइन कराओ, कदी की मैं के तोड़े नाल असी एवें ही चंगा, साडे ही सिर साडियां ही जुत्तियां। वो जेड़ा देगा 10 किलो तो 1200 दा कीती खले ने, मैं लै के गई हां 1200 दा 10 किलो। पैसों का दे रहे आटा? हां जी, वो साइड ते देंदे पने 10 किलो दा 1200 दा। फ्री आटा नहीं दे रहे? नहीं फ्री नहीं, मैं तो लै। आपने तो बोला था फ्री दे रहे आटा। नहीं नहीं, ये लै के आए ने जिन्ना तो करते पर ना आईडी कार्ड उन्होंने दीती जा, बाकी जलील कीती जांदे ने। 100 च एक नु मिलदा पे, 100 में से किसी एक को आटा मिल रहा है और फिर कहा जाता है कि हुकूमत बहुत आटा तकसीम कर रही है। नहीं कोई भी नहीं करते पे। मैं तो 5-6 दफा जिथे काम करनी वो आंटी भी नाल आई, अगो इन्होंने आख्या कि तुसी कोलू लै दो, साडे कोल नहीं हैगा, हमारे पास नहीं है, ये बोला। अच्छा, मुझे बताया रमजान का मुबारक महीना चल रहा है तो क्या रियायत दी है हुकूमत ने? कुछ भी नहीं, मैं तो सात मेरे बच्चे ने बेवा, मैं 10 किलो का 1200 का लै के गई आटा, कोई नहीं मिलिया मैनू। मेरी सास आई है बेचारी, मैं आई हाँ, मैं ते बंदे का कार्ट लेके आई हाँ, नहीं मिलिया आटा। अच्छा, दूसरी चीजों की अगर हम बात करें, दूध दालें चावलों की बात करें, फ्रूट भी नहीं, ऐसी तो लै ही नहीं सकते माड़े बंदे, कुछ भी नहीं लै ही नहीं सकते। कितनी महंगाई हो गई है रमजान में, और महंगाई बढ़ गई, बड़ी महंगाई है। मैं नहीं 400 नु केले मेरे बच्चों ने रोजा में गई हाँ, मैं 100 दे केले नहीं उन्होंने दिते, उन्होंने इतने 100 दे नहीं दे, 400 नु दर्जन है, 400 नु सेब ने, बड़ी महंगाई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, ये इंडिया के पास जो कश्मीर है उसकी एक लड़की है वहां पर, जर्नलिस्ट है वहां की, उन्होंने बनाई है, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। वहां पर 100 के 4 किलो आलू बिक रहे हैं, स्पेशल रमजान बाजार उन्होंने लगाया है, तो क्या कहेंगे, आपको वीडियो दिखाऊं? नहीं, 100 के 4 किलो नहीं, वो याना मीर वाली अगर वीडियो है तो 100 के 6 किलो आलू है। ये बटमालू सब्जी मंडी है श्रीनगर का। जी जी, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए। ये आलू है व्हाइट वाला, जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 1,650 रुपए किलो। 1,650? हाँ 1,650। और प्याज का? प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो, हो गया 25 रुपए के जी। 25 रुपए? हाँ, 100 के 6 किलो आलू है, 6 किलो। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਫਿਰ ਰਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਆਪ? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਹਮਸੇ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਆਪ ਕੀ ਕਹੇਂਗੇ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ ਜੋ ਅਫਤਾਰੀ ਮੇਂ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਦੂਧ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਕਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਲਈ ਰਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕੇ ਲਈ? ਇਹ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਲਾ ਲਓ, ਈਦ ਲਾ ਲਓ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇ।
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर रमजान में डबल प्राइसेस कर दी जाती है। नहीं नहीं, ये तो बस खाना जंगी है, समझ लो सस्ताई कोई भी नहीं लग रही। अच्छा। सही पूछो, है पहले रमजान वाले दिन दे आईडी कार्ड लेके फिरन दा है। अच्छा। आटा एक थोड़ा साडे पूरे घर च नहीं गया, हाले भी साडे को काट है ने, होर भी दो है ने। अच्छा। ते जिन्ना नु दित्ता उन्ना नु दित्ती जा रहा है, जिन्ना नहीं मिले उन्ना नु मिल ही नहीं रहा। अच्छा, अगर बाहर भी इन्ना इन्ना आटा महंगा कर दिता, गरीब आम बाहर भी ना आटा लेके खा सके। सही कह रही है गलत? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करती हूँ। पिछले रमजान दे विच खुदा दा शुक्र रमजान बड़ा अच्छा लगा, ए प्याज 20 रुपए किलो सी, ठीक है ना, ऐतकी 120 130 तो घट हो ही गया। अच्छा, ये प्याज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ये स्पेशल रमजान बाजार यहाँ पर लगाया गया है, कितनी कमी बेशी यहाँ पर आपको मिल रही है? ज्यादा मिल रही है, बस ना ऐतकी ना बाजार लाया, कोई इन सहूलत नहीं है। कितने का किलो ये प्याज दे रहे हैं? 120 रुपए का या 10 रुपए का? ये 120 रुपए किलो जी, या 10 रुपए, 110 रुपए किलो, 110 या 120 रुपए का किलो, कभी कभी 30 भी ला लेते हैं, 130 रुपए। मुझे तो मेरी अभी रिसेंटली ऑफ द कैमरे से बात हुई, उन्होंने बोला कि हम 10 रुपए का बेच रहे हैं। झूठ मार रहे हैं, है ताडे मुंह ते कह रहे, क्योंकि उन्होंने दी वीडियो जाए ना टीवी ते या कितने भी। अच्छा, एक ना वीडियो इंडिया के कश्मीर से आई है, वहाँ की एक लड़की है, मुस्लिम लड़की है, याना मीर उनका नाम है, वो स्पेशल वहाँ पर बाजार में गई है ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर कितनी सहूलत दी गई है, 100 रुपए के 4 किलो आलू, बल्कि इससे भी कम, तो बहुत ज्यादा सस्ताई वहाँ पर की गई है, क्या कहेंगी मैम आप इसके बारे में? नहीं, मैं पिछले रमजान की बड़ी तारीफ करनी, खुदा दा शुक्र रमजान बड़ा अच्छा सी, ते ओ रमजान उड़ीक दे भी रमजान आ गया सी क्या खरे, फिर भी ओजियां सहूलतां मिलनगियां, पर ऐतकी कोई एहोजी उम्मीद नहीं है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहेंगी? मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी जहाँ वो गई है, दिखाऊं आपको? कश्मीर में आपको ऐसा लग रहा है कि सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं? सब्जियों के दाम तो बढ़े हैं, आप आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन जाना चाहिए मंडी में, होलसेलर के पास। काफी ज्यादा वहाँ पर सस्ताई है और यहाँ पर सस्ताई नहीं है क्या? नहीं है। हाँ, सही कह रही है। कुछ बोल रही है आंटी जी, हम आपकी बात सुनते हैं, क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि ये किसको दे रही है, मैं एक बेवा औरत हूँ, मैंने आईडी कार्ड दिखाया तो वो कह रहे हैं आप ना अहल हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जिससे भी बात कर रही हूँ, चाहे वो मर्द चाहे वो औरत, कर रहे हैं किसको अहल कह रहे हैं कि हमें ना अहल कर रहे हैं, क्यों दफा कर रहे हैं? मुझे क्या पता, उन्होंने पूछे जाकर। आलू आपने कितने के लिए? ये तो बोल रही है कितने के लिए थे, 130 रुपए के या 110 रुपए के 3 किलो है, ये छोटे छोटे 110 रुपए के 3 किलो। हाँ जी हाँ, छोटे छोटे आलू, छोटे छोटे प्राइस क्या है? वैसे तो उन्होंने 50 रुपए 48 रुपए इस तरह ही। हाँ जी, ऐसे क्या करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ आलू प्याज की छांटी करते हैं। आलू प्याज की छांटी करते हैं, क्या प्राइस है? प्राइस है इसका 88 रुपए है। झूठ ना बोले आप, अभी वो हमें बता के गई है 110 120 130 रुपए क्या, जितना मर्जी। एक मिनट, 80 रुपए किलो और 88 रुपए किलो, जितना मर्जी प्याज। अभी मेरी जिन जिन से भी बात हुई है वो कह रही हैं कि 120 130 नहीं, उन्होंने प्याज की बात की 80 88। आपने बोला था ना आए आपके बीच में, बताएं लाओ प्याज कितना कर, 80 रुपए किलो क्या रेट बताया? या 120 या 110 रोई लगा ही हुंदा, आप क्या कर रहे हैं? रेट जितना मर्जी ले, 2 मन 4 मन 5 मन 10 मन जितना मर्जी लो। आप रमजान पता है 20 रुपए किलो प्याज, आप साइड आईडी नहीं आईडी कार्ड भी दिखा रहे हैं, डीसी की तरफ से। आप पहले यहाँ से, आप पहले यहाँ से प्याज लेकर गई हैं? हाँ जी, तो ही नहीं नहीं ना लिया, मैं तो नहीं कह रही की मैं आज लेकर गई हूँ, लग गई हूँ मैं। कब लेकर गई है? कल होएगा या परसों होएगा? कितने रुपए किलो लेकर गई है? 110 रुपए किलो, 110। वो तो कह रही है 110। बताता हूँ, डीसी की तरफ से जो हमें रेट लिस्ट आती है, हमने उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। अच्छा। और जो है वो 3-4 दिन पहले 117 था, लेकिन आज 88 है, तो 88 पे बिकेगा, ये 1 रुपया भी ऊपर नहीं बेच सकते। मैं बाजार का सुपरवाइजर हूँ, हमारी ये ड्यूटी है यहाँ पर कि हमने 1 रुपया भी बात नहीं ले सकते। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा महंगाई है, इवन उन्होंने तो आटे की भी वो कह रहे हैं कि नाहल हमें यहाँ पर किया जा रहा है, हमें आटा नहीं दिया जा रहा, तो क्या कहेंगे? नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा। हम कर रहे हैं आईडी कार्ड स्कैन कर रहे हैं, बेनजीर इनकम
सपोर्ट पे जो रजिस्टर्ड है ना, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट पे रजिस्टर्ड है, उन फैमिलीज को आटा मिल रहा है और जो नहीं रजिस्टर्ड उनको नहीं मिल रहा। जो गरीब है, अच्छा मतलब वो पहले अपनी आपकी स्कैनिंग करवा के जिनके घर में कोई आटा ही नहीं है खाने के लिए। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें हम तो नहीं कुछ कर सकते, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शन आती है, ये हुकूमत ने ये इम्प्लीमेंटेशन इन पर करने का बोला और इतने सख्त गरीब के लिए इतने सख्त जो है वो रूल्स बनाए। जी बिल्कुल, जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है हमारा काम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना और वो हम फोर्सफुली उस पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अमला होता है स्पेशली जो आटा वगैरह तकसीम कर रहा होता है, ऐसे भी यहाँ पर लोग मैंने बाहर देखे हैं जो कि काफी ज्यादा गरीब है, जो कि रो भी रहे थे बाहर, तो क्या उनको उनको भी पर्सनली उनको कोई आटा वगैरह नहीं दिया जाता? बेसिकली बात ये है कि मैं बात फिर वही आ जाती है जो उन्होंने हमें SOPs बताए, हमने उनको फॉलो करना है, लेकिन रात को हमारे पास ये खबर आई है कि जो है अब हर हर घर को जो है ना वो कम से कम एक थैला लाजमी मिलेगा। अच्छा, बाहर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि हमारा आजाद कश्मीर का आईडी कार्ड बना है और हमें आजाद कश्मीर के आईडी कार्ड पे नहीं दिया जा रहा। जी नहीं, उनको नहीं मिल रहा क्योंकि बेसिकली ये पंजाब में किया गया है और उनको ही मिलेगा, जो जिनका डिस्ट्रिक्ट का बाहर का है उनको नहीं मिल सकता क्योंकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से रिसीव करेंगे, यहाँ से वो रिसीव नहीं कर सकते, यहाँ से रिसीव नहीं कर सकते। मतलब इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए लगाए गए हैं। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने अक्सरियत में लोगों से बात की और अक्सरियत में लोगों ने यही रिप्लाई दिया कि यहाँ पर आटे के लिए उनको आईडी कार्ड देखते हुए भी ना है अहल करार दिया जा रहा है, चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन जब यहाँ के अमले से बात की गई, यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनसे बात की गई, तो वो एग्जैक्ट प्राइस हमें बता ही नहीं रहे थे, लेकिन आवाम का यहाँ पर कहना ये था कि हमारे लिए किसी भी किस्म की कोई कीमत में रियायत नहीं की गई। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, लाजमी मैंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और ये जो बात कह रहे थे ना कि जी कार्ड वहां का है, जिला अलग है, देखिए अब यहां पे जो फर्क है ना इंडिया और पाकिस्तान का, मैं आपको समझाता हूं। इंडिया में आपका राशन कार्ड बना हुआ है, वो पीडीएस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, आप इंडिया के किसी भी हिस्से में रहें आपको अपने हिस्से का राशन वहां पर जाकर उठा सकते हैं और वो डेटा अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपके घर में 5 लोग हैं मान लीजिए, अब 3 लोग जो हैं वो अपने गांव पर हैं और 2 लोग जो हैं वो आ गए हैं जी दिल्ली में रहने, 2000 किलोमीटर दूर, तो यहाँ जो 2 लोग हैं वो अपना आधार और वो स्कैन करा के अपने हिस्से का जितना अनाज उनको मिलना है वो यहाँ पर ले सकते हैं और 3 लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। कोई धांधलेबाजी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, जो पूरे देश में कहीं भी हो उसको उसके हिस्से का अनाज वहाँ पर जाकर लोकली वो ले सकता है। तो बहुत बड़ा फर्क है हमारे पीडीएस सिस्टम का। आप सोचिए, अब मान लीजिए कि जो बंदा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का है या दूसरे ज़िले से आके वहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर काम कर रहा है, वो जा नहीं सकता, उसको राशन कहाँ से मिलेगा? क्या वो राशन लाने के लिए फिर से वापस अपने गांव जाए या जहाँ का रहने वाला है वहाँ पर जाए? सोचिए, रमज़ान का महीना है और इसमें आप उसको परेशान कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, तो अखंड भारत वाली बात मुझे कोई इसमें नज़र नहीं आई, किसी पाकिस्तानी ने तो नहीं कहा कि अखंड भारत चाहिए और बाकी चाहिए, तो पता नहीं वो टाइटल जो निमरा ने रख दिया वो शायद कुछ अजीब सा लगा मुझे कि अखंड, मुझे भी लगे कि शायद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अखंड भारत बना दो, लेकिन कोई कहता हुआ नज़र नहीं आया। देखिए, अखंड भारत का क्या है कि जो पाकिस्तान है वो तो शामिल नहीं करना है जी हमें बिल्कुल उसमें, क्योंकि वो हमने दे दिया है तो दे दिया है, हमारे में जो दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते हैं, वो दे दिया गया तो दे दिया गया। अब आते हैं जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, हालात वाकई बहुत मुश्किल हैं और ये हालात और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं क्योंकि रमज़ान की वजह से शायद गवर्नमेंट ने बहुत वो कर रखा है, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा आप देखिएगा महंगाई फिर से बढ़ेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि रमज़ान का महीना शुरू होते ही शायद 40% महंगाई बढ़ गई, ये डेटा आया था, 40% से ऊपर महंगाई चली गई थी। आप सोचिए कि कितनी मुसीबत झेलनी पड़ रही है वहाँ के लोगों को। कुछ महिलाओं की बातें आपने सुनी, उनको मिल नहीं रहा है कुछ, तो जो आदमी खाने के लिए परेशान होगा, जो अपने बच्चों के लिए परेशान होगा उसको क्या खिलाऊं, आप सोचिए कि पाकिस्तान की हालत कैसी होगी। और इस मामले में इंडिया बहुत ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं, यहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की जेबों में पैसे हैं, यहाँ पर हर सुविधा मौजूद है और ज़बरदस्त तरीके से ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, लोग रमज़ान मना रहे हैं, लोग इफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो मन कर रहा है जिसके लेवल का जो मिल रहा है वो सब खा रहा है पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। भाई जो इंडिया के मुसलमान हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, क्या कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हो, बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा कीमत पे हो गई हो। अब जो इंपोर्ट हो रही होंगी चीज़ें, खजूर जो शायद इंपोर्ट होकर आती हैं तो वो हो सकता है कि शायद आपको महंगी मिले, लेकिन बाकी चीज़ें जो लोकल वाली हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि महंगी मिल रही होंगी। तो देखिए पाकिस्तान का क्या होता है, ऊपर वाला ही मालिक है क्योंकि IMF से अभी तक बेल आउट पैकेज मिला नहीं। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद।